मुजफ्फरनगर के महंत दर्शन दास महिला कॉलेज में हिजाब को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल कॉलेज में सेंटअप परीक्षा चल रही थी। परीक्षा में कुछ लड़कियां हिजाब पहने बैठी थीं। शिक्षक को उन लड़कियों के ब्लूटूथ डिवाइस पहने होने का शक हुआ। इस पर उन्होंने छात्राओं को हिजाब हटाकर कान दिखाने को कहा। इस पर लड़कियां भड़क गईं और परिजन को बुला लिया। छात्राओं ने टीचर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने छात्राओं को देशद्रोही तक कह डाला। छात्रा का कहना है कि टीचर ने उन्हें पाकिस्तान चले जाने के लिए कहा। इसी बात पर छात्राएं भड़क गईं और जमकर हंगामा करने लगीं। फिर वे लोग बिना परीक्षा दिए बाहर निकल गईं और गेट पर प्रदर्शन करने लगीं। क्या दिक्कत है? हम लोग क्लास में गए, उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब पेपर दे रहे थे हम लोग बैठ के आराम से, उसके बाद कहते हैं कि हिजाब खोलो अपना, और वो टीचर थे, लेडीज टीचर नहीं जेंट्स टीचर, बोलते हैं हिजाब खोलो, कान दिखाओ, तुमने ब्लूटूथ लगाया, ठीक है हमने कान दिखाया, बोला ठीक है कान देखो, ब्लूटूथ नहीं है हमारे कान में, फिर कहते हैं इसको खोल के हटाओ, धर्म के नाम पे तुम लोग फायदा उठाते हो, ये करते हो वो करते हो, खाती कहीं और खाओ। मतलब हमको बोले कि तुम अपना हिजाब खोलो, हम खोले भी कि देखिए हम ब्लूटूथ नहीं लगाए, उसके बाद बोलते खोल के हटाओ, बात नहीं बोलते हम खोल के देंगे काम, बोलते हैं कि मजहब के नाम पे तुम लोग ऐसे करती हो, यहाँ मजहब का कोई ये नहीं चल रहा जो हिजाब बांध के आई हो, हम नहीं खोले तो बोलते कि तुम कॉपी दो, क्वेश्चन पेपर दो और जाओ यहाँ पर, कोई बात नहीं, मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे। कौन मास्टर बोले? रवि भूषण। कौन कॉलेज? एमडीडीएम। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कन्युप्रिया ने कहा है कि ये सब माहौल खराब करने की एक साजिश है। लड़कियों से मोबाइल हटाने और ब्लूटूथ हटाने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसे अलग इशू बना लिया और धर्म से जोड़कर विवाद करने लगी। प्रिंसिपल का कहना है कि हिजाब की कोई बात ही नहीं थी और ये जिस शिक्षक पर आरोप लगा रही हैं, उन्होंने देशद्रोही और पाकिस्तान जाने जैसी कोई बात नहीं कही थी। ये लोग मनगढ़ंत बातें बनाकर बेवजह मामले को तूल दे रही हैं। कि यहाँ मामला हिजाब का है ही नहीं, आज के दिन इंटर का सेंटअप टेस्ट चल रहा था जो कि बोर्ड के आदेश से हो रहा था। सारी छात्राएं अपने क्लासरूम में मौजूद थी और जो एक नियम होता है कि एग्जामिनेशन से पहले टीचर बोलते हैं कि अगर किसी लड़की के पास कोई तरह का कोई चिट हो या मोबाइल हो तो आप बाहर निकाल दें, उसी क्रम में बहुत सारी लड़कियों ने मोबाइल रखा हुआ था, जबकि अब जबकि लड़कियां जानती हैं कि रूम में एंटर करने के बाद मोबाइल ले जाना अनुचित है। तो 15-20 लड़कियों ने अपना मोबाइल बाहर निकाला जो कि रखी हुई थी, और एक लड़की के पास जब सबसे पूछते हुए जब टीचर उस लड़की के पास गए जिसने हिजाब पहन रखा था, तो उन्होंने कहा कि उसका कान ढका हुआ था, तो टीचर ने कहा कि कान तुम बस खोल के दिखा दो कि कहीं ब्लूटूथ का तो यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्लूटूथ आजकल कॉमन हो गया है, चीटिंग का एक सोर्स हो गया है। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं मैं कान नहीं आपको दिखाऊंगी, और तो बोला कि ऐसे में तो फिर तुम एग्ज़ाम कैसे दोगी, सारी लड़कियाँ बता रही हैं कि या दिखा रही हैं कि मोबाइल है या नहीं, उनसे पूछा जा रहा है। तो वो लड़की काफ़ी क्रोधित हो गई और बोली कि ठीक है मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी, और वो बाहर चली गई। जानकारी में आया कि वो कुछ असामाजिक तत्व को भी उसने खबर कर दिया, खबर कर लिया, पुलिस को बुला लिया, और सबों को उसने एक धर्म का नाम दे करके उसने एक बरगलाना शुरू किया कि टीचर ने मुझे धर्म के बारे में ऐसी बात बोली वैसी बात बोली, और इस तरह का उसने बयान देना शुरू किया। जैसा कि अभी कुछ प्रेस रिपोर्टर थे भी, तो उनके सामने एक लड़की भी आई जो उस रूम में मौजूद थी और वह छात्रा थी, एग्ज़ाम दे रही थी। उस लड़की ने कहा है कि मैं उस रूम में ही मौजूद थी जब ये घटना हो रही थी, कि सर का कोई दोष नहीं है, सर पूछ रहे थे, सभी लड़की को बोल रहे थे, उस लड़की को भी बोला गया, उसका मैं लड़की काफ़ी आवेश में आ गई और बाहर चली गई एग्ज़ाम छोड़ करके, और बाहर में जाकर के उसने धर्म का नाम लेकर के हिजाब वगैरह कुछ भी जो भी उसके चार्जेज हैं जो कि बेबुनियाद हैं। जहाँ तक कि मैं हमारे कॉलेज का माहौल है बहुत ही सुरक्षापूर्ण माहौल है, यहाँ टीचर्स हैं, अगर उस लड़की को कोई दिक्कत थी, उसको लगा कि उस टीचर ने कुछ भी उसके साथ कुछ धर्म के नाम पर या जो भी वो चार्जेस लगा रही जो उसका कहना है जो कि गलत है, तो वह एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे यहाँ पे मौजूद, मैं थी, किसी को भी बोलती, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा, उसने फोन करके थाना में फोन कर दिया, कुछ असामाजिक तत्व को बुला दिया। पुलिस को निष्पक्ष तरीके से इस मामले में जांच करनी चाहिए, साथ ही उस रूम में मौजूद दूसरी छात्राओं से भी जानकारी लेनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल की बात सही है तो बिना विवाद के मामले को तूल देना उचित नहीं है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।